क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया घर वालों ने। लड़की ढूंढ, शादी कर ले, उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं। कहां से ढूंढूं लड़की? जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं, एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV, अ फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मन चाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉगिन करें www.inclub.com और कॉल करें 01244034567। हैप्पी मैच मेकिंग। It's Light of Life. Varieties of music. Get more, so keep listening. Radio Live. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ मीनन सिंह भी, और शो है टेक्सिटी का। जैसा कि आप जानते हो, टेक्सिटी में हम MS ऑफिस पर इस बार अपना ट्यूटोरियल कर रहे हैं, यानी कि MS ऑफिस की बातें हम इस शो में कर रहे हैं। काफी कुछ हमने सीखा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, और काफी फीडबैक भी आया मुझे आप लोगों के, और काफी अच्छा लगा आप लोगों का शो लास्ट वीक का। और आईफोन की सेटिंग पर एक बार फिर से डिमांड है लिसनर्स की। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने MS ऑफिस स्टार्ट किया है, कुछ लिसनर्स हैं जो हमारे साथ शो भी करना चाहते हैं, कुछ एक आधी ऐप है जिसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं अपने तरीके से। तो बिल्कुल अभी मोस्ट वेलकम हिम, बट लेकिन अभी तो हम ऑफिस की बातें कर रहे हैं, और उसको मुझे लगता है एटलीस्ट एक वर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे उनका शो लेने की, और उसके बाद हम एक्शन शुरू कर देंगे। हम MS ऑफिस को बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमें जितना आता है उतना आपको बताएं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई लिसनर्स है जिन्हें लगता है कि हम MS ऑफिस में कुछ मिस आउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी का वेलकम है। आप बिल्कुल आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से एक ट्यूटोरियल बनाकर, जो भी हमने मिस किया है उसका एक ट्यूटोरियल बनाकर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, meenalsinghvi@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है। इस पर आप कोई भी ट्यूटोरियल जो आपको लगता है कि आप परफेक्टली बता सकते हो या परफेक्टली बना सकते हो, और वर्ड से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि आपको लगता है कि कुछ मैं मिस आउट कर गई हूँ, तो उसका एक ट्यूटोरियल बनाकर आप मुझे इस मेल आईडी पे भेज दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हम पक्का उसको अपने शो में चलाएंगे। तो चलिए शो में, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने काफी इम्पोर्टेंट बातें सीखी थी। हमने बुक्स को बुकमार्क करना, डॉक्यूमेंट्स को बुकमार्क करना सीखा था, और हाइपरलिंक बनाना सीखा था। लेकिन एक लिसनर की डिमांड है कि एक बार हम दोबारा से बताएं, तो बिल्कुल हम एक बार आपको बताएंगे हाइपरलिंक करना डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। लेकिन पहले एक बार हम इस शो को कंटिन्यू करते हैं, और जो बातें पिछले हफ्ते रह गई थी नीतू जी की तरफ से वो एक बार सुन लेते हैं। तो चलिए नीतू जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाती है। रेडियो उड़ान के लिसनर्स को मैं फिर से आप सबके सामने आ चुकी हूँ, और अब मैं आप लोगों को हेडर फूडर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें हेडर फूडर में हमें अपने अकॉर्डिंग कैसे सेलेक्ट करना है, सेंटर में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हमें हेडर किस डायरेक्शन में देना है, हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, वो हम देख रहे हैं। हेडर एंड फूडर इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? अगर हम
हम हेडर एंड फूडर इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी एक नॉवल लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, या फिर हम कोई भी एक बुक पढ़ते हैं, तो हमें बुक पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो नॉर्मल साइटेड लोगों की बुक्स होती है उनमें, और ब्रेल बुक में भी होता है कि सबसे ऊपर जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर मान के चलते हैं, सपोज थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो सबसे ऊपर चैप्टर का नाम होता है, और सबसे जब चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद राइटर का नाम होता है, तो वो तो एक ब्रेल बुक हो गई आपके लिए, हार्ड कॉपी हो गई। अगर हम सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपको कोई बोले कि आपने एक कोई भी एक लेटर लिखा है या कुछ भी एक स्टोरी लिखी है, नोबल लिखा है, अगर हमने कुछ भी एक चीज़ हमने वर्ड फाइल में तैयार की है, तो मैं पीडीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक वर्ड फाइल की बात कर रही हूँ। उसमें हम वर्ड फाइल में हम अगर हमें हेडर फूडर देना है तो हम कैसे देंगे, तो हेडर फूडर देने से थोड़ा सा वो उसका लुक अच्छा लगता है, इसलिए तो उसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे तो वो हम सीखते हैं। उसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाके टैब से हमें हेडर फूडर ढूंढना है, और उसका शॉर्ट कमांड होता है ऑल्ट प्लस एन प्लस एच। अब हम सीखते हैं हेडर फूडर इंसर्ट करना। हेडर फूडर इंसर्ट करने के लिए मैं शॉर्ट कमांड का यूज कर रही हूँ, तो अभी मैं ऑल्ट प्लस एन प्लस एच, ऑल्ट प्लस एन प्लस एच किया मैंने तो ब्लैंक हेडर बता रहा है वो। इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैंक हेडर में हम एक हेडर का नाम दे देते हैं कुछ भी, तो मैं एक हेडर का नाम दे देती हूँ माय वर्क। और यहाँ पे एंटर कर दूंगी, और इसके बाद एंटर करने के बाद हमें एस्केप डेफिनेटली याद से करना है, क्योंकि हम एस्केप नहीं करेंगे तो हेडर फूडर के डायलॉग बॉक्स से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हमें हेडर फूडर को चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इंसर्ट प्लस F1 से। जो देखने वाले हैं वो आपको देख के बता देंगे, वो एक टॉप में सबसे ऊपर अपने हम अपने अकॉर्डिंग हेडर फूडर को भी सेट कर सकते हैं, जो हमने हेडर बनाया उसे सेंटर में। अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे हेडर को सेंटर में चाहिए या लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, कैसे कहाँ पे चाहिए, हम उसे अपने हिसाब से उसी हेडर फूडर के ऑप्शन में जाके हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हेडर फूडर इंसर्ट करते हैं, और उसको चेक करने के लिए इंसर्ट प्लस F1। तो फूडर की कमांड आप लोग याद कर लीजिए, ऑल्ट प्लस एन ओ, ऑल्ट प्लस एन प्लस ओ फूडर को इंसर्ट करने के लिए होता है। स्पेस करना है, और उसके बाद हमें फूडर का नाम देना है। फूडर का नाम हम अपना कुछ भी दे सकते हैं, तो हम जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको देना चाहें अपनी फाइल में अपनी पसंद से, वो आप कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल अपना नाम दे रही हूँ, हमने नीतू गोयल, मैंने अपना नाम दे दिया, और एंटर करें, और इसके बाद एस्केप कर दूंगी। और मैं हम सबसे लास्ट में सुनेंगे इंसर्ट प्लस F1 से हेडर फूडर हम कैसे चेक करते हैं। मैं आपको फिर से हेडर के ऑप्शन में ले जा रही हूँ, ऑल्ट प्लस एन प्लस एच, अब इसके बाद हम टैब से देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैंने ऑल्ट प्लस एन प्लस एच किया, तो यहाँ पे हमें टैब से अल्फाबेट सेंटर अलाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इस कंडीशन में जॉज आपको कुछ क्लियर नहीं बता पाएगा, उस चीज को रीड आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना सकती हूँ, और आप लोग खुद
किसी की हेल्प लेके आप उसे कर सकते हैं। Tap annual title update with accent lines grid 4 of 24. To tap austere left parent even page right parent dated title with accent shaded semicolon ideal for use in even pages of a document with book layout grid 5 of 24. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by end page. हम यहाँ पे इवन पेजेस, ऑड पेजेस, इन सब में भी हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके हेडर फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो वापस हम उसी में आ गए, पूरा हमने पूरा अच्छे से टैप टैप से हमने पूरा हेडर फुटर के पूरे ऑप्शंस को पढ़ लिया, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो हम इन सब के द्वारा आप खुद एक्सप्लोर करके आप कर सकते हो, और वहाँ पे वो साथ साथ में कमांड आप अगर याद करना चाहें, नोट करना चाहें, वो भी कर सकते हो। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, पैसे का आकार एक सा हो चला है, छूने से उलझन ना मिट पाएगी, अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं सुधा पटेल, दृष्टिहीन नागरिक गुजरात से, पैसा पूछे पहचान कौन। आई मोहम्मद आसिफ इकबाल, ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम कोलकाता, पैसा पूछा पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही पैसा ताकत देता है, यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स, नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉग इन कीजिए tinyurl.com/AIC petition, यानी कि tinyurl.com/AICPETITION। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook-AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल को प्रोटेक्ट करना। अगर हमने किसी फाइल को पासवर्ड देना है तो हम किस तरह से देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फाइल मेन्यू में जाना है, ऑल्ट प्लस एफ, और डाउन एरो से देखेंगे, एक ऑप्शन आएगा प्रिपेयर सब मेन्यू, प्रिपेयर सब मेन्यू में हम राइट एरो किया, प्रॉपर्टी आया, इंस्पेक्ट आया, फिर डाउन एरो करेंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। तो आपने देखा उसने पासवर्ड एडिट के लिए मैसेज दिया है। अब हम यहाँ पे जो भी पासवर्ड देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उस समय एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हमने जो पासवर्ड दिया है उसे हम कीबोर्ड से थोड़ा इजी कीबोर्ड से हम उसे अच्छे से टाइप करें, ध्यान से टाइप करें, क्योंकि वो फाइल में अगर हम पासवर्ड को भूल गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फाइल में पासवर्ड हटाना। मैंने एक पासवर्ड दे दिया है और इसके बाद मैं एंटर कर दूंगी यहाँ पे, एंटर करने के बाद वो री एंटर पासवर्ड के लिए बोले, कंफर्म पासवर्ड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वही पासवर्ड कंफर्म करती हूँ, एंटर। तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर दूंगी क्योंकि अभी अभी हमने एक पासवर्ड दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइल को क्लोज करके हम देखेंगे कि उसमें वो बिना पासवर्ड के आपकी फाइल ओपन नहीं होगी। तो अभी फाइल को मैंने जब क्लोज किया आप लोगों के सामने, उसके बाद ओपन करके देखा तो पासवर्ड एडिट के लिए बोल रहा है, वो पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड देके उसे पासवर्ड दे रही हूँ।
वही वाला पासवर्ड दे दो. प्रिंट व्यू एडिट. तो आप लोगों ने देखा, जब वो इस तरह का मैसेज देता है तो उसे आप समझ सकते हो वो फाइल ओपन हो चुकी है. और हम इंसर्ट प्लस टी से भी देख सकते हैं हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, या फिर हम अप एंड डाउन एरो से भी देख सकते हैं कि हमारी फाइल में जो कुछ भी लिखा था वो सब हमारे सामने है. अब हम कंट्रोल एस फिर से करेंगे. सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है. आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं. आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं. लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर. जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स. इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ओहो, क्या बात है गाने सने. अरे गुड न्यूज. और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया. ओ रियली, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार. पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है. शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है. रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है. बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देखा आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है. That's great यार. अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले. और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं. मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप. तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ. रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख. मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम. शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार. आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल. राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून. बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. दोस्तों, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा. और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, बिल्कुल आप हमेशा की तरह हमें कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं. आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें हमारे फेसबुक, हमारे रेडियो उड़ान के पेज, हमारे रेडियो उड़ान के ग्रुप, व्हाट्सएप पर भी आप हमें ग्रुप पर, या फिर जो हमारा स्पेशल शोज के लिए जो ग्रुप है उड़ान लाइव शोज, उसमें अपने आर्काइव, अपने फीडबैक और अपने क्यूरीज दे सकते हैं. अगर आपको हमारे रेडियो उड़ान के किसी भी ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं. मुझे यानी कि meenasinghvi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर mail@radioudan.com पर भी आप हमें मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो चलिए,
अभी हमने नीतीश जी से बहुत कुछ सीखा, फटाफट से हम एक रिव्यू ले लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हम फटाफट से आपको हेड एंड फुटर लगाना सिखाएंगे और हेड एंड फुटर डिलीट करना भी बताएंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और जॉस के जरिए एक बार फिर से जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे कि नीतू जी ने आपको बताया कि फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि फाइल को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम बजाय ऑल्ट मेन्यू से जाकर, या फिर जैसे नीतू जी ने बताया उस तरीके से भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा Alt F Double E जब हम प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन का जो कमांड है वो वहां पर ओपन हो जाता है, हम पासवर्ड देकर अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम ये भी देख लेते हैं और साथ में मैं आपको हेड एंड फुटर भी लगाना और डिलीट करना दोनों भी बता दूंगी। वैसे नीतू जी ने बताया है आपको, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट ना रहे इसलिए एक बार फिर से मैं एक फटाफट से रिव्यू दे देती हूँ। Windows M, Desktop, Folder View, List View, Minel 23 of 36. To move to items, use the arrow keys to edit this M, Sir I, My C. Microsoft Office Word 2007, Microsoft Enter, leaving menus. Document 1, Microsoft Word, edit. Alt F, Men E, Ra E, leaving menus, encrypt document, dialog, password, password edit, type and text, Alt plus R. Star, 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 star. Star 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 tab OK button to activate, press space bar. Encrypt document dialog, confirm password dialog, re-enter password, password edit, type and text, star, 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 star tab OK button, document 1 Microsoft Word, web layout edit. Control S. Save as dialog, file name, edit combo, doc1.docs, to set the value, T, tap E, C, H, C, I, T, Y, texity.docs, web layout, edit, Alt F4, Windows M, desktop, for M, Mozilla Firefox, M, morning, M, minel, enter, items view, D, Dropbox, D, Downloads, D, Documents, Enter, Shell Folder View, Items View, List Box, T, Texity.docs, Enter, Microsoft Word, Password Dialog, See Users, Pinky Documents, Texity.docs, Enter Password to Open File, Edit, Type and Text, Star, 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 Web Layout, Edit, Alt F, Men E, Ra E, Leaving Men, Selected, Star Past Star, Web Layout, Edit, Control S, Alt F4, Not Selected, Work, Texity.docs, Enter, Texity.docs, Microsoft Word, Web Layout, Edit. तो दोस्तों आपने देखा कि फाइल को प्रोटेक्ट करने का जो शॉर्ट कमांड है वो है Alt F E E। जब Alt F E E मैंने किया तो वहां पर आ गया इनक्रिप्ट का ऑप्शन, वहां पर मैंने पासवर्ड दे दिया 1234 एंड उसके बाद दोबारा रिकन्फर्म पासवर्ड भी दे दिया और ओके कर दिया। अगर आप पासवर्ड लिख के एंटर करते तो भी चल जाता था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने टैप करके ओके पे एंटर किया था। अगर हमको फाइल से पासवर्ड निकालना है वो भी मैंने आपको बताया, Alt F E E करके मैंने बैकस्पेस किया, सेलेक्ट करके बैकस्पेस किया और एंटर कर दिया था बस, उसके बाद हमें और उसको सेव कर लिया था। और पासवर्ड निकालने के लिए भी सेम यही कमांड है, Alt F E E करके हम जब ब्लैंक पासवर्ड का जो कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़कर एंटर कर देंगे और उसके बाद उसको कंट्रोल एस करके हम सेव कर देंगे तो उस डॉक्यूमेंट में जो प्रोटेक्शन था, जो पासवर्ड हमने दे रखा था, वो निकल जाएगा। चलिए इसी तरीके से एक बार हेड एंड फुटर भी हम देख लेते हैं कि कैसे रिमूव करते हैं और कैसे लगाते हैं। लगाने के लिए जो कमांड था वो तो नीतू जी ने बताया था, शॉर्टकट है हेडर का Alt N H, और इसको निकालने का जो कमांड है वो है Alt H R। आप चाहो तो हेडर को एडिट भी कर सकते हो, एडिट करने का जो शॉर्टकट है वो है Alt N H E, Alt N H E, ये एडिट करने का ऑप्शन है, Alt N H और R ये रिमूव करने का ऑप्शन है। चलिए हम फटाफट से ये भी देख लेते हैं जॉस के जरिए।
Alt Tab, Texity.docs Microsoft Word, Texity.docs Microsoft Word, Web Layout Edit. Alt N. H. Lower ribbon, header and footer group box, built-in group box, blank three columns, blank header setup space, leaving menus. Header edit type text, sec S, H, O, W. Show. 1. Enter. Escape. Escape. Out of form field, this is a document window, this is an edit form field in an unprotected form. You must protect the form first in order to type in this form field. This is the text area of an open document. The document has one section S. The cursor is in section 1. Page header, show 1 type text, 0 type text, 0 type text. Margins for this section are set as follows. Left 1 inches, right 1 inches, top 1 inches, bottom 1 inches, escape. Blank, web layout, section 1 as page header, edit. Alt N. H, lower ribbon, header and footer group E, leaving menus. Header, print, section 1 as page header, edit. Escape. 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 Alt N. H, lower ribbon, E, leaving menus. Header, print, section 1 as page header, edit. This is a document window. This is the text area of an open document. The document has one section S. The cursor is in section 1. Page header, radio you to show 1 type text, 0 type text, 0 type text. Margins for this section are set as follows. Left 1 inches, right 1 inches, top 1 inches, bottom 1 inches. Document protection status is no protection. Spell escape. Section 1 as page header, edit. Alt N, H. R, leaving menus. Control S. This is a document window. This is the text area of an open document. The document has one section S. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows. Left 1 inches, right 1 inches, top 1 inches, bottom 1 inches. Document escape. Alt N. H, lower ribbon, header and footer group space, leaving menus. Header, edit, type R, A, D, I, O, radio, U, D, A, N. Uden, enter. Escape, escape. Out of form field, selected, blank, control S. This is a document window. This is the text area of an open document. The document has one section S. The cursor is in section 1. Page header, radio Uden type text, 0 type text, 0 type text. Margins for this, escape. Section 1 as page header, edit. Alt N. H, lower ribbon, header and footer group box, built-in group box, R, leaving menus, print, edit. Control S. Alt Tab, Documents, Alt Tab, Texity.docs Microsoft Word, Texity.docs Microsoft Word, Print Edit. तो आपने देखा कि हेड एंड फुटर निकालना भी कितना इजी है, बस Alt N, H और R किया, बस वो निकल गया, कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको Control S करके फाइल को सेव करना है, आपका हेडर पूरी फाइल से, आपका हेडर वहां से निकल जाएगा. एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एडिट का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, इंसर्ट N, H और E, ये एडिट तो हो जाता है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है ज्यादा. हो सकता है कि मेरा जॉस भी पुराना वर्जन है, मैं जॉस 17 चला रही हूँ, तो मे बी 18 में वो एक्सेसिबल हो, या फिर जो ऑफिस 10, 13 या फिर कोई और अदर ऑफिस के वर्जन में एक्सेसिबल हो. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कोशिश करिएगा, एक्सप्लोर करिएगा इस चीज को, हो सकता है कि आपके पास एक्सेसिबल हो. मैंने एडिट करके जैसे उड़ान लिखा एक बार, तो वहां पर एक्सेसिबल तो नहीं था क्योंकि जॉस ने रीड नहीं किया था, लेकिन जब मैंने दोबारा से फाइल को ओपन किया तो आपने सुना होगा कि उसने बताया कि हेडर उड़ान शो करके उसने बोला. एंड उसके बाद दोबारा से मैंने फिर ट्राई किया, तो ट्राई करने के बाद मैंने रेडियो वहां पर लिखा था हेडर में, तो देन तभी भी वो रीड नहीं किया था कुछ भी. लेकिन जब दोबारा से मैंने फाइल को बंद करके ओपन किया तो उसने बताया कि रेडियो उड़ान शो 1 हेडर. तो दैट मींस कि जो एडिटिंग में मैं लिख रही हूँ वो बोल तो नहीं रहा है, जॉस वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जो हम लिखते हैं वो वहाँ पर एडिटिंग का जो मोड है वो काम कर रहा है, बस ये है कि वो रीड नहीं कर रहा है. तो इन केस अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने शो लिखा था और उसके बाद मुझे उड़ान शो लिखना था, तो मैंने ऑल्ट एन एच और ई किया एंड देन उड़ान लिखकर एंटर करके दो बार एस्केप कर दिया. उसके बाद कंट्रोल एस करके फाइल को सेव करके मैंने बंद कर दिया. एंड देन वापस जब मैंने फाइल को ओपन करके हेडर चेक किया तो वो उड़ान शो वहां पर बता रहा था. मुझे लगा कि हो सकता है मेरा जॉस यहां पर प्रॉब्लम दे रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से सेम वही प्रॉब्लम आई मुझे. एंड
ये कि रेडियो उड़ान शो वन हेडर में आ गया था लेकिन एक्सेसिबल नहीं था। तो इसको भी ट्राई करिएगा, एक्सेसिबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें, कोशिश जरूर करिएगा। और अभी इस शो के दौरान अगर आपको किसी को भी ये चीज एक्सेसिबल बता रहा है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म भी करिएगा कि कौन सा ऑफिस आप यूज कर रहे हैं और कौन सा विंडो और कौन सा जॉस आप यूज कर रहे हैं जिसमें एडिट का जो ऑप्शन है हेडर एडिट का वो एक्सेसिबल है। वैसे हेडर एंड फुटर थोड़ा कम एक्सेसिबल है, कम रीड आउट करता है, बट फिर भी हम उस पर काम कर सकते हैं। चलिए ये था फाइल प्रोडक्शन एंड हेड एंड फुटर। अब हम सीख लेते हैं ऑटो टेस्ट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं और वो कैसे किया जाता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं बस यूं गई और यूं आई। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, आमी बांग्ला आवाज पाया। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. వణకం, నాన్ తమిళరిన కురల్ వాణి. నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూ. హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA. तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है गणेश शाने, एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया है। ओ रियली, कांग्रेचुलेशन यार, पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान, वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, GK से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव चीजें वहाँ के RJs द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देखा आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ RJs की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जब सवाल आती है विजुअली चैलेंज्ड लोगों की, तो मैथ्स बहुत ही टफ सा सब्जेक्ट लगने लगता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कैसे कैसे कैसे, रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है मैजिक ऑफ मैथ्स एवरी फ्राइडे 8 PM to 9 PM। सो कीप ट्यून्ड टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वर्ड वाकई में बहुत यूजफुल चीज है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लगता है कि यार ये क्यों हम बेकार में करें, लेकिन मैं बता दूं कि उन सब चीजों का बहुत यूज आता है जब हम वाकई में किसी ऑफिस में या किसी कमरे में
वर्ड पे काम करते हैं और ऐसा कोई ऑफिस ही नहीं है जहाँ पर वर्ड नहीं यूज किया जाता। कहीं पर किसी को एक्सेल में काम करना पड़ता है, किसी को कहीं पर वर्ड में काम करना पड़ता है, किसी को प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट पे काम करना पड़ता है, तो हमें एमएस ऑफिस का यूज तो करना ही करना पड़ता है। एक प्रोफेशनल जगह पर एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए, एक प्रोफेशनल कुछ भी चीज ले लीजिए, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एमएस ऑफिस तो हमें यूज करना ही पड़ता है। और क्यों हम किसी से पीछे रहें, क्यों ना हम ही हमारा सारा काम करें। जब हमें पूरा एमएस ऑफिस आ जाएगा तो एक कॉन्फिडेंट भी हमारे अंदर आ जाएगा कि नहीं, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं देते या हमें काम नहीं मिलता, लेकिन जब हमें कुछ करने का कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कुछ करने की हिम्मत हमारे अंदर से आ जाएगी, तो हम खुद मांग लेंगे कि ये काम हमें दे दीजिए, हम ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा फिर बना के दूंगा। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आ जाएगा और बिल्कुल हम अपने ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, काम मांग सकते हैं। लेकिन अगर हमें आएगा ही नहीं तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए कोशिश करिएगा, इस शो को पूरा सुनिएगा, इसी शो को नहीं, जिसने मिस कर दिया मैं जरूर उनसे कहना चाहूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पर जो कि है www.radiodon.com वहां पर जाकर आप आर्काइव डिमांड कर सकते हैं। तो आर्काइव लेकर जरूर सुनिएगा, सारे शो सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कोई शो नहीं है जो आपके काम नहीं आएगा। तो चलिए अब एक और नया कमांड हम सीखते हैं, वो है ऑटो टेक्स्ट फील्ड। बहुत कम मैंने देखा है ये यूज करते हैं लोग, लेकिन जो बुक्स वगैरह लिखते हैं या फिर जिनको बहुत सारा लिखने का काम होता है उन्हें ये जरूर यूज करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग यूज करते हैं नहीं करते, बट मैंने बहुत कम यूज किया है क्योंकि राइटिंग का काम मेरा बहुत कम होता है। बट इट इज टू यूजफुल, बहुत यूजफुल चीज है ये। हम आपको बताते हैं ये क्या चीज है। मैं बात कर रही हूँ ऑटो फिल टेस्ट की, या फिर 2007 में शायद इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। जी हाँ, 2007 में बिल्डिंग ब्लॉक इसे कहते हैं। वैसे ऑटो टेस्ट फील्ड ये है, ये बेसिकली अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँ कि कोई एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि हर बार मुझे लिखना पड़े, तो वो मैं इतना पूरा नहीं लिख के कोई एक शॉर्टकट बना लूँ ताकि वो अपने आप ही लिखा जाए कोई भी एक डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेड एंड फुटर हम लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब कोई बुक होती है तो उसपे बहुत टॉप पे, मतलब हेडर पे जहाँ पे एम्प्टी प्लेस होती है, एक लाइन जहाँ पे हम मार्जिन छोड़ते हैं, तो वहां पर हेडर और फुटर होते हैं, नीचे की तरफ फुटर और टॉप की साइड हेडर होता है, तो वहां पर हम पेज का नाम दे सकते हैं या फिर बुक का नाम दे सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में हम बार बार ना लिखें, ऑटोमेटिकली हमारे टेस्ट फ्रेज जो भी हम एक चीज पर्टिकुलर है जो हम चाहते हैं कि हर पेज पे हो, तो उसके लिए ऑटो टेस्ट फील्ड होता है। ये बहुत इजी है यूज करने में, बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो इसे यूज करना मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम एक डॉक्यूमेंट में कुछ टेस्ट लिख लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हर पेज पे आए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, उसके बाद वो टेस्ट हमें लिखना होगा, या लिखने के बाद उस टेस्ट को हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एन प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू आ जाएगा। ये जो मैं कमांड बोल रही हूँ ऑटो टेस्ट फिल, ये भी इंसर्ट मेन्यू में ही आता है। तो जब हम ऑल्ट एन प्रेस करेंगे तो वहां पर इंसर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। इंसर्ट मेन्यू ओपन होने के बाद मैन्युअली आप टैप टैप करके टेस्ट ग्रुप बॉक्स में जाकर क्विक पार्स ड्रॉप डाउन बटन आएगा, वहां पर अगर आप स्पेस बार या एंटर कर देंगे, उसके बाद आपको टैप करना पड़ेगा ऑप्शंस के लिए। टैप करने के बाद ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ऑप्शन आएगा वहां पर। जब आप एंटर कर देंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्रिएट अ न्यू बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। तो इसके लिए ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt F3, ठीक है। तो हम Alt F3 के जरिए ही आपको बताते हैं, आप इतना लेंथी प्रोसेस में मत जाइएगा। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये मेन्यू कहाँ पर आता है। तो इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप बार में आता है, तो उस तक आप मत जाइए, वहां तक आप मत जाइए,
सीधा सीधा मैं आपको बिल्कुल बहुत सिंपल से बताती हूँ कि कैसे हम किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को कहीं पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और फिर मैं आपको उसमें बताती हूँ कि हम कैसे टेस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि बिना एक बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद हर बार वो मैन्युअली खुद ही आ जाएगा। ठीक है, जो कमांड्स है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप जॉस के जरिए सुनिएगा कि कैसे मैं ऑटो टेस्ट फील्ड या फिर बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट करती हूँ। Alt tab, document to Microsoft Word, document to Microsoft Word, print edit, pasted, countless visually impaired in, tune in to Radio Union, the top Radio Union, blank, tune in to Radio Union, the internet community radio station that has come to light the lives of countless visually impaired Indians in its short stint of 3 years, blank, blank. Selected Radio Union tune and semicolon to Radio Union comma the internet community radio station that alt F3 create new building block dialog name edit Radio Union type and text alt N tab gallery combo box quick parts to change the selection use the arrow keys alt G headers footers equations cover page bibliography auto text tab category combo box general to change the selection tab description edit type and text alt D A F, L, I, G, H, T, flight, O, F, of, L, I, F, E, life, tab, save in, combo box, building blocks, dot, dots, to change the cell tab, options, combo box, insert content only, to change the selection, use the arrow keys, alto, tab, OK button, to activate, shift tab, options, combo box, insert content only, to change tab, OK button, to activate, create new building block dialog, Microsoft Office Word dialog. Do you want to redefine the building block entry? Yes button to activate. Press spacebar. Alt plus Y. Document to Microsoft Word. Print edit. Radio Union. Blank. Tune in. Countless. Blank. 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 Control Enter. Page 2. R. A. D, I, O, Radio F3, Top Radio Union, blank, tune in to Radio, countless visually, blank, page 2, Radio Union, blank, tune in to Radio Union, the inter, countless visually, blank, 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 Control Enter, page 3, Control Enter, page 4, A, F, L, I, G, A, T, flight, O, F, of, L, I, F, E, life, enter, R, A, D, I, O, radio, F3, blank, countless visual, tune in, blank, radio unit, a flight of life, page 3, blank, page 2, blank, blank, countless visual, tune in, the rate, blank, radio unit, page 1, blank, tune in, the radio unit, the countless visually, blank, page 2, radio unit, blank, tune in, the countless, blank, blank, page 3, blank, page 4, a flight of life, page 3, blank, page 4, a flight of life, radio union, blank, tune in, the radio union, the internet commune, countless visually impaired Indians, blank, blank, selected, radio union, tune, blank. A. F, L, I, G, H, T, flight, O, F, of, L, I, F, E, life, enter, page 1, a flight of life, blank, R, A, D, I, O, radio, F3, blank, countless visually, tune in, the rate, blank, radio union, a flight of life, control, enter, page 2, R, A, D, I, O, radio F3, control enter page 3, blank, R, A, D, I, O, radio F3, page 1, top radio union. जी, तो आपने देखा कि कैसे मैंने ऑटो फिल टेस्ट को अप्लाई करके आपको बताया। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि क्या कमांड होती है, फिर
फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत इजी है कोई भी टेस्ट जो आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में बार बार वो आए लेकिन वो आपको लिखना ना पड़े। ये फ्रेज हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, चॉइस तो आपकी होगी। लेकिन उसे कमांड कैसे करें, उसके यूज कैसे करें, वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो टेस्ट फील या फिर बिल्डिंग ब्लॉक के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो टेस्ट आप चाहते हैं कि बार बार आए उसे आपको सेलेक्ट करना होगा, एंड उसके बाद आपको ऑल्ट एफ थ्री प्रेस करना होगा। आपको एक कॉम्बो बॉक्स खुल जाएगा, वहां पर आपको नाम देना है, ठीक है, जो भी आप टेस्ट का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट होगा तो भी चलेगा। मैंने तो रेडियो उड़ान नाम दिया था, लेकिन आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वो नाम देने के बाद आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको ऑटो टेस्ट सेलेक्ट करना है। बहुत सिंपल सेटिंग होती है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड ही होता है, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें हमें चेंज करना चाहिए। बट फिर भी आप देख कर, जैसे अगर आपको हेडर एंड फुटर डालना है तो वो आप देख सकते हैं। तो बट मैंने जो किया वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बहुत सिंपल सा यूज किया था। तो पहले मैंने नेम दे दिया था रेडियो उड़ान, उसके बाद जो गैलरी था वहां पर हमें सेलेक्ट करना था ऑटो टेस्ट क्विक फिल, जो था ऑटो टेस्ट हमें सेलेक्ट करना था, मैंने ऑटो टेस्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद कैटेगरी था, कैटेगरी मैंने बिल्कुल जनरल सेलेक्ट, ऑलरेडी सेलेक्टेड था तो मैंने उसको कुछ भी नहीं किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मैटर के हिसाब से या अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। एंड उसके बाद सेव इन, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग ब्लॉक में ही सेव करना होता है तो उसी में मैंने सेव किया। उसके बाद ऑप्शन था, वो हमें चेंज नहीं करना था, इंसर्ट टेक्स्ट था या फिर कंटेंट था तो वही हमें रखना चाहिए था, क्योंकि कंटेंट ही हम चाहते हैं कि वो वहां पर आए। लेकिन कंटेंट की जगह पे आप टेबल, कुछ और भी चीज वहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कंटेंट ही हो। आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो भी कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शंस है उनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ टेस्ट को सेलेक्ट किया था इसलिए मैंने टेस्ट का ही बताया आपको, ठीक है। तो इसके बाद ओके पे हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद जब कभी भी हम वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उसमें हमें वो ऑटो टेस्ट फील इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए जो कमांड है, जैसे कि जो नाम आपने दिया है, जो भी फ्रेज, जो भी नाम आपने दिया है फर्स्ट में, मैंने रेडियो उड़ान दिया था तो मैंने रेडियो लिख कर F3 जब प्रेस किया तो वो सारा टेस्ट वहां पर आ गया जो मैंने सेलेक्ट किया था। मैंने आपको पेज 1, पेज 2 पे बताया, पेज 3 मैंने बिल्कुल ब्लैंक रखा था और पेज 4 पे भी सिर्फ फिर से एक बार मैंने आपको ऑटो टेस्ट फिल करके दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे साथ बैठ के ये सारी एडिटिंग कर रहे होंगे। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ, हम बस यूं गए और यूं आए। They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings, accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. Pashu Swasthya aur Kisan ki Samriddhi. Pashu Swasthya aur Kisan ki Samriddhi. आयुर्वेद का लक्ष्य है सबकी वृद्धि, पर्यावरण का भी हम रखते हैं ख्याल, उत्पाद है सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक भी। पशु स्वास्थ्य से किसान हुए खुशहाल, आयुर्वेद को है पर्यावरण का भी ख्याल। For more information, contact our toll free number 1-800-123-734. समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा
बच्चा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय अंकिता। हाय नेहा। चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक कर क्या खेल? गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशन होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि डिलीट करने के जो कमांड थे जो हमने आपको बताए थे, उसके अलावा भी अगर हम कंट्रोल डिलीट या फिर कंट्रोल बैकस्पेस करते हैं तो क्या होता है? शायद नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है कंट्रोल डिलीट करने से और कंट्रोल बैकस्पेस करने से। किसी डॉक्यूमेंट पे हमारा जहां हमारा कर्सर है वहां से बिना सिलेक्शन किए कंट्रोल डिलीट और कंट्रोल बैकस्पेस करने से क्या होता है, चलिए एक लुक मारते हैं। Alt Tab Text Editor.docs Microsoft Word Text Editor.docs Microsoft Word Blend R A D I O Radio U D A A N U N A F L I G H T Flight O F of L I F E Life period enter Radio Union of Light of Life Top Radio Union of Light of Life Union A Flight। दोस्तों मैंने वही डॉक्यूमेंट फाइल ओपन किया और उसमें रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ लिखा और अब मेरा कर्सर जो है वो फ्लाइट पर है। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंट्रोल बैकस्पेस करके देखती हूँ क्या होता है। फ्लाइट अब टॉप रेडियो लाइफ लाइफ रेडियो ब्लेंड सिलेक्टेड ब्लेंड। जी तो आपने देखा कि जब मैंने एक बार कंट्रोल डिलीट किया तो वो जो बाद वाला लेटर था यानी कि फ्लाइट जो था वो वहां से रिमूव हो गया, ऑफ भी रिमूव हो गया, बस वहां पर बच गया था लाइव और रेडियो। मैंने एक बार फिर से अपना कर्सर रेडियो के बाद रखा यानी कि लाइव के पास रखा और कंट्रोल डिलीट कंट्रोल बैकस्पेस किया तो रेडियो वहां से चला गया और फिर कंट्रोल डिलीट किया तो लाइव भी वहां से चला गया। अब मेरा डॉक्यूमेंट पूरा एम्प्टी है जो कि आपने सुना होगा। तो ये भी एक कमांड है, एक वर्ड सिंगल आपको अगर रिमूव करना है बिना सिलेक्शन किए तो उसका ये कमांड है कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे तो प्रीवियस वर्ड रिमूव हो जाएगा और कंट्रोल डिलीट करेंगे तो बाद वाला वर्ड रिमूव हो जाएगा। है ना नया कमांड? हो सकता है आप में काफी लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ऑफिशियली एमएस ऑफिस सीखा है लेकिन इतना परफेक्टली नहीं सीखा क्योंकि उस वक्त टू बी फ्रैंक मुझे कंप्यूटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरा ये शौक अभी भी है, लेकिन अब मेरे पास वो चॉइस नहीं है जो मैं साइड रह के करना चाहती थी। टेक्नोलॉजी मेरी चॉइस बाद में हुई है, मैं आपको बता दूं पहले मेरी चॉइस नहीं थी इसलिए मुझे सीखने में इतना मजा नहीं आता था और ना ही मैं इतना इंटरेस्ट दिखाती थी, लेकिन जब से मैं इस शो में आई हूँ ये शो करने लगी हूँ
तब से वाकई में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत बिल्ड हो रहा है और आपको यकीन नहीं आएगा जैसे जैसे मैं शो आगे बढ़ा रही हूँ मैंने सोचा था कि शायद 3 एपिसोड में मेरा ये वर्ड वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक्सेल शुरू कर दूंगी लेकिन आप देखिए आज ये 5वां एपिसोड है लेकिन अभी तक भी मेरे हिसाब से वर्ड पूरा नहीं हुआ है अभी तक भी वर्ड में बहुत चीजें हैं अभी हमें बहुत कुछ सीखना है इसमें भी बहुत कुछ अभी तक बाकी है तो देखते हैं कि हम कहाँ तक इसे ले जा सकते हैं बट मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है मे भी मेरा जो पैटर्न है बताने का वो लाइन वाइज नहीं होगा शायद हो सकता है कि मैं इधर उधर गड़बड़ कर रही हूँ जिस तरीके से एक प्रोफेशनल सिखाया करते हैं हो सकता है शायद मैं उस तरीके से ना सिखाती हूँ उसके बावजूद भी आपने मेरे शो को बहुत सराहा बहुत फीडबैक दिया बहुत पसंद किया और बहुत सारी क्यूरीज पूछी इसका बहुत शुक्रिया सच में बहुत अच्छा लगता है बहुत एनर्जी आ जाती है जब आपके फीडबैक आते हैं जब मैं सुनती हूँ आपके फीडबैक वॉइस चैट के जरिए या फिर मेलिंग लिस्ट के जरिए जब पढ़ती हूँ तो वाकई में बहुत खुशी होती है सीरियसली तो मैं आपको कह नहीं सकती ये एक हमारे लिए बहुत एनर्जिकल ड्रिंक है हमारे लिए तो बहुत शुक्रिया और मैं कहती हूँ कि इसे ऐसे ही बनाए रखना और हमारे शो को ऐसे ही पसंद करते रहना और सुनते रहना रेडियो रान अ फ्राइड ऑफ लाइफ मैं इस वक्त आपसे लेती हूँ विदा अगले हफ्ते फिर मिलूंगी तब तक के लिए गुड नाइट छपा के दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख मजबूत होकर वो बढ़े आगे यही प्रयास करते हैं हम शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश समाज और परिवार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान 116 राजपुर रोड देहरादून बिल्डिंग ट्रस्ट कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. Radio Udaan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आपका दोस्त स्वप्न दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ मैं हूँ आरजे वरुण इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे वाह 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 मैं आज रिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ल्ड मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है ओके हेलो गुड इवनिंग नमस्कार सुस्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत आई एम इंस्पायर्ड बाय रेडियो वर्ल्ड एंड व्हाट अबाउट यू इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है खींच मेरी फोटो तो 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 खींच मेरी फोटो आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ हर सोमवार रात 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे बोलती तस्वीरें शो के साथ कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है